अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज भी तकरीबन पूरा दिन गणेश विसर्जन ही चलता रहा। शाम देर होने तक भी कई गणेश की मूर्तियां कतार में विसर्जन के लिए खड़ी नजर आ रही थी। बेलगाम में मेलाद और गणेश विसर्जन एक साथ होने की वजह से शहर में तनाव हो सकता है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा था। पर मुस्लिम समाज की जानिब से समझदारी का फैसला लेते हुए मिलाद के जुलूस को मुलतवी कर 1 तारीख को रखा गया। मुख्तलिफ पंडालों में भाईचारे की मिसाल भी पेश की, जिसमें खास तौर से अगर तस्करा करना पड़ा तो आजम नगर का करना मुनासिब होगा। वैसे कांदा मार्केट मिलाद पंडाल में भी गणेश मंडलों की जानिब से फातिहा खानी में शिरकत फरमाकर विकास कलगड़गी ने बेलगाम में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की पुरानी तारीख होने के साथ हर साल जुलूस में भी शिरकत की बात कही। गणेश विसर्जन के कई वीडियोस वायरल हो रहे, खास तौर से नए डीसीपी जगदीश रोहन का गणेश भक्तों के साथ डांस करने वाला वीडियो काफी वायरल हो चुका है। खैर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल आजम नगर में देखने को मिली। जब यहां के सामाजिक खिदमतगार इमरान फतेह खान ने गणेश विसर्जन के जुलूस का इस्तकबाल करते हुए नाराय तकबीर बुलंद किया तो तमाम हिंदू मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कहा। मतलब आज भी किस कदर बेलगाम और अतराब में भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। आज तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के अदालती फैसले के खिलाफ कन्नड़ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। सुबह सीबीटी में किया गया, उस वक्त पुलिस की जानिब से हिरासत में भी कुछ एहतजाजियों को लिया गया। इसके बाद फिर दोपहर 12 बजे एहतजाज किया गया। बस के सामने लेटकर कन्नड़ तंजीम के अफरादों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिन्हें हिरासत में लेकर बाद में रिहा भी किया गया। इसी तरह गोकाक में भी बड़े पैमाने पर कर्नाटक कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को न दिया जाए, इस पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। खुद वजीर आला सिद्धरमैया ने भी अदालत का फैसला तो है पर हम किसी हाल में कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के हक में नहीं है, ऐसा कहा। जेब के खर्च को दिए रुपये बचाकर ईद मिलाद के मौके पर अस्पताल, बस स्टैंड और दीगर जगहों पर जाकर गरीबों को तलाश कर उन्हें खाना और फ्रूट तकसीम किया। इनके इस मुखलिस जज्बे की सराहना की जा रही है, क्योंकि नबी की पैदाइश पर उनके तालीमात पर अमल करना ही सबसे अफजल है। आज वजीर रियासत सतीश जारकिहोली ने बेलगाम जिले में सूखे की कैफियत पर क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बरसाने की पहल की है। पहले खानापुर और गोकाक में बारिश बरसाई जाएगी, फिर जिला के दीगर इलाकों में इसका तजर्बा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। बहुतों को ये कुछ अजीब सा लगता है, अब कितना कामयाब तजर्बा होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन आसमान में आप अक्सर बादल देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी बादल बरसते नहीं है? दरअसल नमी से भरे बादल खुद ही बरस जाते हैं, जबकि कुछ बरसते ही नहीं, लेकिन जब वे न बरस रहे हो तो साइंटिस्टों के पास ऐसी तकनीक है जिससे वे बादल को बरसने पर मजबूर भी कर देते हैं, और इसी अमल को क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेनिंग कहते हैं। आज इस जहाज को वजीर रियासत सतीश जारकिहोली की जानिब से लाया गया। इसके तमाम अखराजात बेलगाम शुगर की जानिब से मुकम्मल किए जाएंगे, ऐसा बताया गया।
मुसाफिरों को बेहोशी की हालत में बेलगाम जिला अस्पताल में दाखिल कर इलाज करने की खबर याद होगी। लिहाजा 8 रेलवे मुसाफिरों को बेहोशी की चीजें यानी चिप्स चॉकलेट खिलाकर बेहोश कर दिया गया था। उनके पास के रुपए, मोबाइल, कीमती सामान लूटने वालों को रेल पुलिस ने आखिर हिरासत में लिया। 3 अपराधों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम चंदन कुमार, दीरा कुमार और सरताज बताया जा रहा है। अब कुछ दिगर खबरों पर नजर डालते हैं। महज पूजा की थाली से केला खाने पर इसरार को फिरका परस्त भीड़ ने जान से ही मार दिया। उसे खंभे से बांध कर इतना पीटा गया कि आखिर उसकी जान ही चली गई। पता नहीं अब इस मुल्क में और कितने मुसलमानों का खून यूं ही बेआवाज बहता रहेगा। कौम का जागना कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। दिन ब दिन बेगैरत और बेहिस कौम व्हाट्सएप फेसबुक पर अपना ज्ञान बांटते नजर आती है। नंदनगरी में रहने वाला इसरार दरअसल एक दिहाड़ी मजदूर बताया जाता है। उम्र 17 साल है। लिहाजा गणेश पंडाल में पूजा की थाली से केला लेकर खाने पर उसे जान से मार दिया गया। उसके वालिद अब्दुल वाहिद, जिनकी उम्र 60 साल है, कहा कि 4 बहनों का ये एक ही भाई था। कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के अफरादों ने इसलिए बिजली के खंभे से बांध कर पीटा क्योंकि इन्हें मालूम हुआ कि केला खाने वाला शख्स इसरार है। फिर इतना पीटा कि शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल ले गए तो वह मर चुका था। कत्ल का मामला दर्ज हुआ है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस वक्त राहत इंदौरी का वो शेर भी याद आता है जिसमें कहा कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर छत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तकरीबन 150 दिन के करीब मणिपुर जल रहा है। आज सीएम बीरेन सिंह का मकान ही जलने की खबर हासिल हुई है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। एक भीड़ ने इम्फाल के इनके जाती मकान पर हमला किया। पुलिस ने इनकार करते हुए कहा कि भीड़ को वहां से खदेड़ दिया गया है। लिहाजा इतना जरूर है कि मुस्तकिल जारी तशद्दुद के निशाने पर अब वजीर आला भी आ चुके हैं। आखिर में बहुत ही अहम खबर। पूरे देश में मुसलमानों को लेकर नफरती माहौल बनाने की कोशिश वैसे तो एक अरसे दराज से जारी है, लेकिन जब से भाजपा आई है तब से और भी तेज हो चुकी है। मुसलमानों को आतंकवादी कह देना, उनके देशभक्ति पर सवाल उठाना अब कितनी आम बात हो गई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के 9वीं क्लास के इम्तिहान के दौरान जो पर्चा था उसमें मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़कर दिखाया गया है। मुस्लिम तंजीमों में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। स्कूल इंतजामिया ने मामले की संजीदगी को देखते हुए पेपर तैयार करने वाले टीचर को माजूल जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि चाहे संसद में रमेश बिथुड़ी हो या स्कूल में ऐसे टीचर, आखिर इन्हें मुसलमानों पर उंगली उठाने की इजाजत किसने दी है? इन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर मुसलमानों को लेकर जहर परोसने की मुस्तकिल वारदातें कब तक चलती रहेंगी और इसका खात्मा कब हो जाएगा? अफसर हो या पुलिस अफसर, इल्मी मोहकमा, क्या इन्हें अब संविधान का कोई पासो लिहाज नहीं रहा? सवाल जारी है और अपने आप को देशभक्त कहने वाले ही देश विरोधी कामों में मुलविस है इतना जरूर है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमला यह है कि डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल ने जो पर्चा बनाया है एग्जाम का, उसके अंदर जबरदस्त मुसलमानों की, इस्लाम की तौहीन किया है और दस्तूर के खिलाफ वर्जी किया है। 14-15 आर्टिकल की सरासर खिलाफ वर्जी किया है और उससे हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को और रहने और भी जो लोग हैं उनको सब बहुत सख्त तकलीफ हुई है इससे। इसलिए हम ये मुतालबा करने के लिए आए हैं डीएम साहब से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल के खिलाफ जाँच बिठाई जाए और कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त होनी चाहिए। यही है मुतालबा हमारा और जो है यही मुतालबा करने के लिए आए हैं।